क्या बात हुई है? ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही है हरियाणा के करनाल जिले की, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो एक मेडिकल स्टोर के बाहर जो है वो बवाल बसता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बिना प्रेस्क्रिप्शन के नहीं दे सकते। मैंने आके पूछा, मैं भाई पर्ची दिखाई है उसने तेरे को, तू कैसे दे दिया? कहता नहीं दिखाई, कहता अपनी दवाई मेरी दे दो और अपने पैसे ले जाओ वापस। तो किसने नशे की दवाई दी है? मेरे हस्बैंड को देता है। किसको दी है ये? और 4-5 साल से दे रहा है, 4 बार 3 बार ब्रेन स्ट्रोक आ गए हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको कुछ हो जाए इसका क्या जाएगा? इसका क्या जाएगा? फिनारगंज ये देखो जी, ये मेरा जो दोस्त है, क्या मामला है, क्या कहना चाहेंगे भाई सर? मेरा 10 साल से दोस्त है जी, मेरी बहन है ये, मतलब मेरे दोस्त के नाते किसी का घर मतलब उजड़ता हो मुझे नहीं देखा जाता। इनने मुझे 10 बार कहा भी ऐसे ऐसे नशे बेचता है कोई बंदा, मैं कहा उसको बोल रहा हूँ क्यों देता है भाई, किसी का घर बस रहा बसने दो। ये बंदा इसने अभी फिर दुबाई दी उसको, वो सुधरना चाहते हैं, हमने नशा मुक्ति केंद्र में भेजा, हर चीज कर रहे हैं। ये बंदा देख लो बूढ़ा आदमी, ये सरकारी हॉस्पिटल से पता नहीं कहीं से रिटायर्ड है, ये भी बंदा ऐसे काम कर रहा है। क्या कर रही सरकार है, ऐसे ऐसे बंदे पैदा कर रखे क्या? कैसी दवाई दे रहे थे यहाँ पर? जो ऑपरेशन के दौरान इंजेक्शन लिया जाता है वही सुन हो जाता है बंदा, कुछ पता ही नहीं लगता। हाई डोज बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं दे सकते। ये देता जी, तो नशे की दवाइयां बेची जाती है इस मेडिकल स्टोर पर। ये बंदा है और हंसता है हर चीज को देख के, ऐसा बंदा है, मर जा डूब के, अपने बच्चों को दे ऐसी ऐसी गोलियां, मार्को क्यों दे रहा है, इनके क्यों घर बर्बाद कर रहा है? ये देखो कोई शर्म नहीं है। क्या क्या अंकल जी, पूरा मामला क्या है? क्या पूरा मामला है? ये देखो जी, दवाइयाँ दिखाओ। दवाई जो देता हूँ मैं कोई नशे की। कौन सी दवाइयाँ हैं जी वो? कौन सी दवाइयाँ जी? कौन सी दवाइयाँ अभी दी हैं आपने, जो ये नौजवान आपके पास पहुँचा था दवाइयाँ लेने के लिए? देखो तो कौन सी दवाइयाँ दी आपने? उसको दे दी थी। किस लिए? टेबलेट एल्प्रेस की 2 गोली। अरे इंजेक्शन, 1 इंजेक्शन ट्रामाडोल, बस 2। किस लिए? आप तो किसी बड़े डॉक्टर की सलाह के बिना दे नहीं सकते, बस बड़े डॉक्टर की सलाह के बिना, ये खुद भी नशा करके बैठा है। बता दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं दिक्कत नहीं है, आप ये मेडिसिन दे रही हैं डॉक्टर की प्रिकॉशंस के हिसाब से। नौजवान जो है नशे की गोलियां आपसे लेकर जाते हैं, क्या कहना चाहोगे? इनके कहीं इनके गांव में कई बंदे मर गए ऐसे। नहीं, क्या आप डॉक्टर की प्रिकॉशन के हिसाब से दे रहे हैं, डॉक्टर की सलाह के हिसाब से? पर्ची थी डॉक्टर की, डॉक्टर की पर्ची है। देखिए आपने रिकॉर्ड में दिखा, जो अभी आप आपसे नौजवान ने दवाई ली है उसमें डॉक्टर की पर्ची है आपके पास, आपको दिखाई है तो बिना पर्ची के आपने दी दवाई? वो कैसी मेडिसिन थी ये बताएंगे? पहले पर्ची लेकर आता था। कैसी मेडिसिन थी? पर्ची का रिकॉर्ड दिखाओ मुझे, पर्ची का रिकॉर्ड दिखाओ। पर्ची उसके पास, पर्ची का कोई रिकॉर्ड तो रखे होगे। क्या कहना चाहोगे भाई साहब, क्या मामला हुआ है? ये मिली भगत है हर तरफ से, ऐसे ऐसे पता नहीं नशे के व्यापारी कितने यहाँ पे हैं, मगर ऐसा बंदा, मैं तो एक सामाजिक वर्क के नाते इनसे जुड़ा था, ये बहुत ज्यादा परेशान थे भाई, आज नहीं तो कल परसों इनके मतलब हस्बैंड की डेथ हो जाती। मुझे लगा भी कुछ करना चाहिए, मैंने बड़ा जोर लगाया, मैं कहा चलो सुधर जे। आज उसको मतलब हमने वहाँ पे डाला भाई नशा मुक्ति केंद्र में, कहीं से पता लगा भाई अब भी ये यही काम कर रहे हैं भाई, 10 जनों को और खराब कर रहे हैं, किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। जैसे ये मुझे देख रहे हैं ना, ये सोच रहे हैं इसका क्या कर लूँगा, अगर जो है 10 जनों की जान बचा के मैं अपनी जान दे दूँ ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तेरे जैसे गंदे आदमी। आप सर, आप हमें ये बताइए कि किस चीज की, ये आप क्या नशे की गोलियां बेच सकते हैं यहाँ पर? तो फिर बेच नहीं सकते, तो आपने कैसे दी इस नौजवान? डॉक्टर की पर्ची बेच सकते हैं, तो डॉक्टर की पर्ची आपके पास अभी दी है उन्होंने? अभी है आप पे, वो उसने दिखाई आपको। एक सवाल दे दे, डॉक्टर की पर्ची है आपके पास? वो मैंने सवाल दिया, दे दिया बेटा, तो कुछ इशू नहीं, डॉक्टर की पर्ची है आपके पास? डॉक्टर की पर्ची नहीं है तो आप कैसे दे सकते हैं? आपके पास डॉक्टर की पर्ची नहीं है? अब नहीं थी उसके पास, पहले लेकर आए थे, अब नहीं थी किसी का, तो अब आपने क्यों दी? साहब है
ये सरपंच साहब है। ये देखिए हां जी सर क्या कहना चाहेंगे, ये एक राउंड बन रहा है बंदा, नशे की गोलियां दी जाती है, गोलियां लेके गया ना, ये ना देंगे 5 मन नहीं मेरे। तो ये आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से फिलहाल यहाँ पर जो है बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। ये तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल जिले की और आप ये देख सकती हैं कि ये महिला है, पिछले काफी दिनों से परेशान जरूर थी और किस प्रकार से यहाँ पर जो है बवाल मचता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल उसके चलते जो यहाँ पर एक महिला जो अपने पति के साथ आई थी उनका अगर जो क्या कहना है, क्या कहना जी, कैसे प्रशासन यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता ना, तो प्रशासन खत्म कर देना चाहिए। अंग्रेजों का राज ले आओ, वो बढ़िया क्या कर रहे हैं ऐसे नशेड़ियों को। मैं कह यही वही दवाई है, बताया था इन्होंने कि मैं ये आपके हस्बैंड को क्या दिक्कत है, क्यों यहाँ पर आते हैं मेडिकल में? उनको पहले हाँ जी पेन था उनको कमर में पहले। अच्छा फिर तो हाँ। मेडिकल स्टोर वाले ने एक दो बार इंजेक्शन लगा दिया, आराम आ गया। हाँ। फिर धीरे धीरे वो हैबिचुअल कर दिया, धीरे धीरे लगाने लग गया उनको, आराम आने लग गया। वो सोचे भाई दर्द ना हो मेरे को, लगवाते लगवाते 2-3 महीने लगातार 2 दिन छोड़ के लगवाने लग गए, तो हैबिचुअल हो गए। हैबिचुअल हो गए तो ये कैसे दे रहे हैं फिर बिना पर्ची के, जब डॉक्टर ने नहीं दिए तो क्या करना चाहेंगे, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई कराना चाहेंगे? कल को उसको कुछ होता है, ये जिम्मेवार है उस चीज का। कल को उसकी लाइफ में अगर जो इसके बच्चों को रुलते हैं इसके बच्चे और उसको कुछ होता है, ये जिम्मेवार है बंदा हर चीज का, यही ये हर चीज का ऐसी ऐसी चीजें देगा। आप हमें ये बताएं दिक्कत क्या थी, जो पेशेंट थे वो किस चीज की मेडिसिन लेते हैं? होता है कि अपने पेन के लिए डॉक्टर पे जाता है बंदा, डॉक्टर क्या करता है कि उसको अच्छी दवाई देता है कि वो ठीक हो जाए, ऐसा नहीं करता कि हैवी डोज दे के उस चीज के लिए उसको हैबिचुअल करा जाए। ये ऐसे ऐसे इंजेक्शन है, मैंने नेट पे भी सर्च करे, किसी की राय भी ली, सर्जरी के दौरान उसको दिए जाते हैं। कौन से इंजेक्शन है? फिनारगन वगैरह है, ट्रामाडोल, ये सब चीजें हैं। तो इससे नशा होता है सर? सुन कर देता है बंदे को। अच्छा बिल्कुल सुन कर देता है कि सर्जरी के दौरान बंदा सुन होता है जब भी अपना पेट कटवाता है। अच्छा कुछ भी मान लो यहाँ पे दर्द है वहाँ दर्द है। अच्छा। ऐसे ऐसे इंजेक्शन विदाउट एनी किसी, अगर जो इनसे कुछ पूछा जाए आप बाहर जाके बात करो। हाँ। इनका क्या गया, अपने बच्चे तो इनके यहाँ पर दिया जा रहा है बिना पर्ची के, बिना पर्ची दी के, बिना किसी चीज के। अगर जो पर्ची है इन पे दिखाओ किस भी हाफ पे इन्होंने दवाई दी, तो ये नशे की दवाई आज से नहीं, ये पिछले 10 साल से यही काम कर रहे हैं जी। शायद ये पेशेंट को सही नहीं खराब करते हैं, उसको हैबिचुअल करते हैं भाई वो नशे में डूब जाए। मान लो आज 10 देगा वो नशे की हालात में, वो 100 भी देगा उस चीज़। तो नौजवानों को नशे की दवाइयां बेची जाती हैं इस जगह? बिल्कुल बिल्कुल। क्या मेडिकल स्टोर का क्या नाम है यहाँ? सुमेर मेडिकल से। आपके हस्बैंड जो है कब से ये मेडिसिन ले रहे हैं जी, क्या दिक्कत थी आपके हस्बैंड? चार साल से ले रहे हैं। बड़ा ही संगीन मामला है, नशे की दवाइयां जो आपकी तरफ से बेची जाती हैं, क्या कहना चाहेंगे भाई सर? ये जो कह रही है इसे पूछो क्या कह रही है? नहीं, आप बताएं सर, आपने बेची है ना दवाई? तो अभी लड़के ने जो नौजवान ने यहाँ से दवाई ली है और वो दवाई लेकर आपने दवाई बिना पर्ची के, बिना डॉक्टर की पर्ची के दी है, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर की पर्ची लेकर आता था पहले, आज नहीं थी उसके पास, मैंने उसको दवाई दी। उसको दवाई दे दी आपने जब पहले आया था? कोई रिकॉर्ड पर्ची थी उसके, उसके पर्ची रिकॉर्ड कहाँ है? नहीं रिकॉर्ड नाम लिखते थे उसका, ऐसे तो मैं ले आऊंगा किसी की पर्ची उठा के। पहली बात तो उसको मना करते हैं, पहली बात आज कैसे मना करते? तो आज क्यों दी आपने फिर दवाई? भाई मैंने तो एक एक गोली मांगी थी, दर्द ज्यादा था उसको देनी पड़ी इंजेक्शन। अगर आप लगाई नहीं सर, सर सर इनसे ये पूछिए भाई, अगर जो इंजेक्शन दवाई मानता हूँ दे दी होगी, इंजेक्शन बंदा खुद लगा लेगा या तो खुद लगाए? इंजेक्शन खुद इंजेक्शन तक दे रखे हैं, वो खुद लगाएगा क्या इंजेक्शन? बिना डॉक्टर की प्रिकॉशन के, बिना डॉक्टर की पर्ची के आप कैसे मेडिसिन दे रहे हैं? आप पर्ची में दवाई देता हूँ विभाग से सेटिंग है क्या? नहीं अच्छे नहीं, विभाग से सेटिंग कर रहा है क्या? जो दिया उसका ठीक दे दिया, मैंने एक कुछ ज्यादा दवाई दी थी उसको भेज दिया उसको। तो आप इंजेक्शन कैसे दे रहे हो? ये नशे का इंजेक्शन बेचेगा क्या? विभाग से सेटिंग है तेरी, उनको जवाब देगा। मारा बंदा मरेगा उसका जवाब दे पहले। 6 साल से तूने नाच कर दिया महिला के पति को,
जो दवाई नशे की दवाई दी गई सुमेर मेडिकल गरोंडा के सर इसकी इसकी सेटिंग है हर जगह नशेड़ी को ही देता है, आम बंदे को नहीं देगा, नशेड़ी को देगा। किस तरीके से नशे की दवाइयां सर नशा होता है, जो मेडिसिन आप दे रहे हैं इसमें नशा होता है? तो नशा तो हर दवाई में खुद भी करते हैं, नशा होता है, नशा होता है। मैंने कभी नशा नहीं किया। अच्छा, तो इनका साफ आरोप है कि आप मेडिसिन देते हैं बिना डॉक्टर की प्रिकॉशन के, बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना पर्ची के आप मेडिसिन दे रहे हैं, और लगातार जो है जो इनके हस्बैंड है वो यहाँ पर, सर मेरी बात सुनिए, वो यहाँ पर आ रही हैं, लगातार आ रही हैं और उनको दी जा रही है। कितने समय से आप कितने समय से ये दवाई बेच रहे हैं? हम 6-7 साल से यही काम कर रहा है, 6-7 साल से तो इसका घर बर्बाद कर रहा है, पता नहीं कितने मारे होंगे इसने। रुल तो हम रहे हैं, ये रुल रही है, ये रो रही है। ऊपर से कहते हैं कि इसको किसके कहने से क्या होता क्या होता है, इसके कहने से इसका घर को करवाड़ा मर गया, कौन जिम्मेवार है? आप भी नशे में दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए? तो आप ऐसा लग रहा है कि आप नशे में है इस समय, क्या कहना चाहेंगे? मैं नशे में नहीं। आप नशे में नहीं? इतनी बात मैंने कही भाई, फिर भी हंस रहे हैं। बस तो ये पूरा मामला है, ये तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल जिले के घरोंडा की, इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये देखिए किस प्रकार से कई लोग जो हैं वो यहाँ पर फिलहाल इकट्ठा हो चुके हैं, और ये देखिए किस प्रकार से आरोप ये लगाया जा रहा है कि बिना प्रिकॉशन के, बिना डॉक्टर की सलाह के यहाँ पर जो है मेडिसिन दी जा रही है, और पिछले कई दिनों से जो है मेडिसिन दी जा रही है, और जो इनके पति हैं वो हैबिचुअल हो चुके हैं, यानी कि आपको साफ साफ कहीं तो जो इनके पति हैं वो बिना इन मेडिसिन के रह नहीं सकते। तो बहुत ही गंभीर मामला, इस वीडियो को आप शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल जिले की, जहाँ पर आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक महिला बवाल करती हुई दिखाई दे रही है, बवाल मचाती हुई एक महिला जो है दिखाई दे रही है हरियाणा के करनाल जिले के घरोंडा क्षेत्र की, इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या करना चाहिए? मैं तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जैसे लोग आगे आ सकते हैं, भी किसी को बचा सकते हैं, कार्रवाई इन्होंने करनी है। मान लो हम आगे आए हैं, कल को ये इसकी सेटिंग दूर तक है, हमारे पे भी कुछ भी करवा सकता है। ये रिक्वेस्ट है प्रशासन से, सीएम सिटी में खड़ा हूँ मैं, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और इस जैसे 70 भाई और हैं जो ऐसे ही व्यापार कर रहे हैं, तो मेडिकल नार्कोटिक सेल जो हमारे करनाल के अंदर है वो इन नशे की दवाइयां जो भी बेचते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? उन्हें फोन करके बुलाएंगे अभी? सर ये वीडियो चल रही है, प्रशासन को सब कुछ पता है। अगला कह रहा है मैं प्रशासन को जवाब दूंगा, बच्चा तो हमारा खराब होगा, ये प्रशासन को जब जवाब देगा, जब मर जाएगा हमारा बंदा। तो कितने की ये दवाइयां बेची गई हैं अभी? ये दवाइयां कौन कौन सी और कितने की बेची गई? पैसे लिए इनसे? पता नहीं, मैं तो बाहर खड़ी थी, मैंने तो बाहर से आके पकड़ा, मैं कहा क्या क्या दवाई लिया मेरे को दिखाओ। फिर मैंने आके इनको पूछा, मैं कहा इन्होंने पर्ची दिखाई? कहता नहीं दिखाई। मैं कहा फिर कैसे दे दी? कहते हैं अपनी दवाई मेरी वापस दे दो और अपने पैसे ले लो। मैंने कहा, फिर ऊपर से हंस रहे, मैंने कहा मैं अभी बताती हूँ तुम्हारे को, पहले भी मैंने एक बंदा अपना भाई भेजा, मैं कहा जा इस दुकान से ना ये दवाई लेके आ, नहीं दी उसको। जो बंदा लेके देता ना, जो नशे करता उसी को देता है। आपके हस्बैंड को दिक्कत क्या थी? उनको पेन था। अच्छा। उन्होंने कई बार 6 महीने इलाज कराया डॉक्टरों से, बहुत टेस्ट कराए, कुछ नहीं आया टेस्ट। अच्छा। फिर वो एक मेडिकल स्टोर वाले ने उनको ये टिक्का लगा दिया, 2-4 बार लगा दिया, फिर उनको आराम आने लग गया, वो डर गए भाई दोबारा दर्द ना हो, वो 2-4 दिन छोड़ के लगवाने लग गए, उनको तो आदत पड़ गई। इतना बड़ी आदमी था मेरा घर वाला, ऐसे लोगों ने नाश मार दिया स्टोर वालों ने, बताओ क्या किसको कहूँ मैं जाके। तो मैं अपने ये दवाई लेने के बाद नशा बहुत बुरी हालत होती है, बंदा सुन पड़ जाता है, बोलने जोगा भी नहीं रहता। कौन-कौन सी मेडिसिन है दिखाएं? ट्रामाडोल, ये आप देख सकते हैं, ये मेडिसिन दिखाते हो किस तरीके से, हालांकि नशे की दवाइयां। ये कौन सी मेडिसिन है? पिनारगन का इंजेक्शन है, किस तरीके से बेची जाती है लगातार? इंजेक्शन को ऐसे किसी भी आदमी को कैसे दे रहे हो? कौन सा इंजेक्शन? पिनारगन। अच्छा, पिनारगन इंजेक्शन आप किसी को टेबलेट दे सकते हो खाने के लिए, इंजेक्शन थोड़ी दे सकते हो भैया, ले जाके अपने आप लगा ले। मैं और उसके बाद ट्रामाडोल की टेबलेटें हैं, ये अभी गिर गई हैं, 2-4 इकट्ठी थी, एल्प्लेक्स और ट्रामाडोल का इंजेक्शन, ये 4 चीजें हैं। मैं बंदे को लेके आता हूं जी, वो उससे ऊपर भी एक इंजेक्शन है,
फोर्ट बिल पता नहीं क्या नाम है, फोर्ट बिल कहते हैं वो, आ रहे वो ले ले। कितने समय से आपके पति ले रहे हैं? 4 साल हो गए। 4 साल से मेडिसिन ले रहे हैं, फोर्ट बिन आ रहा है, फोर्ट बिन ले ले, वो तो बहुत अच्छा इंजेक्शन है। क्या दिक्कत हो रही है उनको ये इंजेक्शन लेने के बाद? अब वो उनको तो बिल्कुल शरीर ही नहीं काम करता, जब तक वो ये नहीं लेंगे ना खड़े ही नहीं होंगे। तो मैम क्या कराना चाहेंगे, अब कार्रवाई कराना चाहेंगे इनके खिलाफ जो यहाँ मेडिकोज वाले हैं, समीर मेडिकोज के खिलाफ कार्रवाई जी? मैंने तो 4-5 साल मेरी जिंदगी के खराब कर दी, मेरे बच्चे रुल गए। देखिए ये जो शख्स हैं ये मेडिसिन लेते थे और ये हम इनसे बात करना चाहेंगे। आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने समय से आप इंजेक्शन जिन्होंने दवाई ली थी, क्या कहना चाहेंगे सर? कैसे यहाँ से कब से दवाई ले रहे हैं आप, ये जो नशे की दवाई है कब से ले रहे हैं? 4-5 साल हो गए सर। तो आखिर क्यों ले रहे थे आप नशे की दवाई यहाँ से? बस सर पहले 4-5 साल पहले दिक्कत हुई थी, उस टाइम डॉक्टर ने लिख के दिया था, उसके बाद फिर आदत बन गई, जरूरत थी पहले फिर आदत बन गई, अब नशे में यूज करने लग गया। डॉक्टर की पर्ची के बिना दवाई नहीं मिलती, ना ही कोई मेडिकोज वाला देता है, तो आपको ये मेडिकोज वाले कैसे दवाई दे रहे थे? पता नहीं सर, मैं तो एक बार पता किया था, उसके बाद जाने लग गए थे। आपको क्या दिक्कत आई थी, क्यों मेडिसिन लेते थे आप? मुझे सर 4-5 साल पहले कमर में दर्द हुआ था, अच्छा 6-7 महीने हॉस्पिटल में ही रहा था, अच्छा तो डॉक्टर ने ये इंजेक्शन लगाया था मेरे को, अच्छा उसके बाद बस फिर जरूरत के हिसाब से लेने लग गया, अब ये आदत बन गई थी मेरी। अच्छा। तो इस मेडिकल स्टोर में परिवार परेशान है, लेकिन फिर भी आप नशे की दवाई लेते हैं ये और यहाँ पर आकर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे आगे आप फिर से दवाई लेना चाहेंगे? ये मैं तो सर परेशान था, मैं तो थोड़ा सुसाइड करने सोच रहा हूं, सुसाइड ही कर लूंगा। तो इस मेडिकल स्टोर से आप कितने समय से मेडिसिन ले रहे हैं? ओके सर 4-5 साल। 4-5 साल से ले रहे हैं। कितने की मेडिसिन, कितने की दवाई ली आपने यहाँ से? सर 100 रुपए की ले गया था। 100 रुपया दिया सर? 4-5 साल से ये मेडिसिन ले रहे हैं। 4-5 साल से नशे की दवाइयाँ ये समीर मेडिकल से ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, तो आज ही आया था ये, लेकिन ये इनका आरोप है कि 4-5 साल से ले रहे हैं। मेरे पास तो आज यार ये कह रहे हैं कि यार पहली बार आए हैं, कहाँ गए? पहली बार क्यों, मैं पहले इससे पहले मैं आई हूँ, इससे पहले भी मैं आई हूँ, मैंने वीडियो बनाई है बाहर खड़े होकर, इनको पता भी नहीं है, इससे पहले की भी मैंने वीडियो बनाई है, इनको भी नहीं पता और इसको भी नहीं पता। और उससे पहले मैंने अपना भाई भेजा है, मैंने अपने मासी का लड़का भेजा है, भाई जा इससे ये दवाई लेके आ, उनको इसने नहीं दी, ये उन्हीं को देता है जो नशे करता है, ऐसे नहीं देता किसी को। अब मैं आ जाती ना, मैं मुझे दे दे, नहीं देते, ये आए फट काट के दे दी, लो भाई। और तो कहते फोर्टबिन भी आ रहा है, फोर्टबिन का इंजेक्शन पता करना क्या होता है। तो ये काफी समय से यहाँ पर मेडिसिन से मेडिकल स्टोर से दवाई ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये पहली बार आए हैं? मेरे पास तो मैंने देखे आज ही, मैंने कितनी बार, ये देखो जी ये भी खड़ा है आप पीछे। जब आपको मालूम है कि ये नशे की दवाइयां नौजवानों की जिंदगी खराब करती हैं, फिर भी आप बेच रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों है? वो तो नशा मुक्ति में बुलाओ ना, पर्ची के पास जी, पर्ची थी डॉक्टर की, मैंने दे दी थी पर्ची डॉक्टर की, आज थी आपके पास तो है तो दिखाइए जी। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? कुलविंदर डॉक्टर है बाजार में जी, वो बेचता है जी कार्बन एल्परेक्स, अच्छा नशे गोलियां बेचता है। तो आप यहाँ आप भी आते हैं? ना जी मेरा भाई आता था। आपका भाई आता है? क्या क्या लेने आता है? नो पता नहीं जी, गांज बढ़ता भी लावा था जी। अच्छा हाँ जी, तो यहाँ पर मेडिसिन आसानी से मिल जाती है, बिना किसी डॉक्टर की पर्ची के आसानी से मेडिसिन मिल जाती है, गर्म करके गरम करके लाते थे जी, इंजेक्शन गरम करके खुद लगाता था, ये बता रहा हूं मैंने भी अपने घर वाले को खुद टीके लगाते हुए पकड़ा, समीर मेडिकोज यहां पर जाकर मुझे पता लगा यहीं पर लेता था। तो क्या कहना चाहेंगे ये जो अगर नशे की दवाइयां, विकास जी इनका कहना है कि पहली बार की आए हैं, इनका कहना है कि पहली बार की आए हैं, बंदा खड़ा है जी, अगर जो आ जाएगी अंदर आ जाइए, बंदा नहीं आता उसको बहुत मतलब। आप कितने समय से यहां पर आ रहे हैं? 4-5 साल हो गए सर। सर ये बोल रहे हैं 4-5 साल हो गए हैं। पिछली तो वीडियो भी आपकी मेरे पास थी, वीडियो दिखा दो मेरे पास थी। आपकी दुकान कितने समय से है यहाँ पर? मेरी दुकान तो 7-8 साल से। 8 साल से, तो वो बोल रहा है 4-5 साल से आपसे दवाई लेता है और बिना पर्ची के लेता है। नहीं नहीं, तो आज आपने दी बिना पर्ची के दवाई? आज तुमने दी, तो फिर 4-5 साल का आप क्यों नहीं मान रहे सर? मैं तो कोई एक खुराक लिए इसने खुराक कर दिया था जी, ज्यादा दर्द है एक खुराक दे दो। हाँ चलिए, अगर ये आज ही आपसे लेने आए थे बिना डॉक्टर की पर्ची की, आप कैसे मेडिसिन दे सकते हैं? क्योंकि नहीं, दवाई देने का राइट है आपको? नहीं नहीं, तो नहीं हो तो फिर आपने क्यों दी बिना डॉक्टर पर्ची की, आपने दवाई क्यों दी सर? ये
आज से पांच छह कोई जवाब नहीं है वीडियो बंदे मैंने बनाई है ये वीडियो आज से पांच छह महीने पहले किस तरीके से यहाँ पर जो पहले भी यहाँ से वीडियो बना के लेके गया था यही बंदा लेके गया था देख सकते हैं ये वीडियो कब की है मैं लेगी थी बना के तीन चार पाँच महीने के करीब हो गए होंगे डेट एक्चुअल आपको बता देंगे ये देखिए ये वीडियो है और किस प्रकार से ये जो दुकान के मालिक हैं यही यहाँ पर दिखाई दे रही हैं ये वीडियो दिखा रही हैं जी ये वीडियो भी झूठी है देखिए किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे जी ये वीडियो भी झूठी है जी जो है मतलब सही हुआ हो मतलब आप तो कह रहे हैं पहली बार आए हैं बाबूजी ऐसे बंदे से संपर्क तोड़ दो आप सरपंच आप तो कह रहे थे जी पहली बार आए हैं दो चार वोट जोन से आप लेकिन ये वीडियो बनाकर बैठे हुए जी बंदा थोड़ी ना ये मैं देखो मुझे तो ध्यान नहीं है याद नहीं तो आप नौजवानों की जिंदगी खराब कर रहे हैं यहाँ मेडिकल स्टोर पे बैठ के क्या कैसा लग रहा है आपको अगर आपका बच्चा आकर यहाँ पर दवाई मांगता तो क्या आप उनको भी देते दवाई नशे की दवाई आपका पोता या आपका बेटा अगर इसी तरीके से नशे की दवाई अगर मांग करता है बिना डॉक्टर की पर्ची के बिना डॉक्टर की स्लिप के तो क्या देंगे आप ना तो अगर उसको नहीं देंगे तो ये भी तो किसी का बच्चा है क्या कहना चाहेंगे ऐसी दुकानदारी क्या कर रहा है तू क्या दुकानदारी कर रहा है मार को मार दे ना ये देखिए वैसे मार दे कि कैसे जो एक इस बहन ने मेरे को 10 बार कॉल किया भाई मुझे ये दिक्कत है मेरे को टाइम नहीं लगा कभी ये नहीं मिला इसकी इसके मैं पीछे पिछले 6 महीने से हूँ ये समझा नहीं लगातार शेयर कीजिए भाजी मैं भी सोचा चलो आज नहीं कल कल सुधरेगा या अगला सुधर जाए सुधर जाए और नशे की दवाई कई लोग बेचने के चलते देखिए बवाल किया जा रहा है दुकान के अंदर प्रशासन से यही प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे बंदों पे कार्रवाई कर दो वरना हमारे जैसे आवाज उठाने वाले बंदों को भी ये दम रखते हैं कि बंद कर देंगे लेकिन मैं हूँ अगर जो कल को मुझे कोई दिक्कत आती है यही जिम्मेवार है आप गलती मानते हैं कि आपने बिना डॉक्टर की प्रिकॉशन के बिना डॉक्टर की पर्ची की आपने मेडिसिन दी जबकि वो मेडिसिन में नशा होता है आप मानते हैं कि आपकी गलती है अभी भी इस पे पता नहीं आप मानते हैं आपकी गलती है गलती मानते हैं अपनी कि आपने बिना डॉक्टर की पर्ची बिना डॉक्टर की स्लिप के जो यहाँ पर नौजवान को मेडिसिन दी है नशे की क्या कहना चाहेंगे गलती मानते हैं आप गलती मानते हैं ऐसे इंजेक्शन एक मिनट जी आप गलती मानते हैं अभी डब्बा कहाँ से दिया इसमें दिखाओ डब्बा कहाँ से दिया इतने सर आप गलती मानते हैं हमने मान ली है कोई बात देखो जो गलती मानते हैं आप गलती मानते हैं गलती मानते हैं तो आपको कितना रुपया बच जाता है ये मेडिसिन बेच के मतलब या कुछ नहीं बचता तो बिना रुपया बेचने रुपया ना बचने के चलते अगर नहीं क्यों बेचते हैं हम ध्यान किस चीज का आप खुद ही नशे में हो अभी भी आपका अगर जो यहाँ पे प्रशासन खुद भी आके इसका कोई टेस्ट करे ना मैं मानता हूँ कि ये नशे में तो प्रशासन को बुलाने वाले हैं प्रशासन को क्या प्रशासन सोया हुआ है क्या सोया हुआ है ये वीडियो नहीं देख रहे लाखों लोग देख रहे होंगे अभी तक सिटी SHO यहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन कोई नहीं है क्या अभी किसान यहाँ पे कोई वो कर दें 5 मिनट में आएंगे ये काम नहीं है किसी की जान नहीं बचेगी क्या है आज इसकी बचेगी क्या पता 10 और बचे क्योंकि इनका ये व्यापार है ये वैसे कोई इसलिए मेडिकोज नहीं है कि किसी को ठीक करने के लिए किसी को हैबिचुअल करने के लिए ये मेडिकल स्टोर है और ये बोलते हैं मैं सरकारी ऑफिस से सरकारी उससे रिटायर्ड हूँ आप ये सोच सकते हैं कि अगर जो सरकारी अस्पताल से रिटायर्ड हैं ये ऐसे काम कर रहे हैं इनकी पेंशन भी आती होगी सब कुछ आता होगा फिर भी इनका पेट नहीं भर रहा किसी को मार के पेट भर रहा है तो अपने बच्चों को तो देख ले इनको ना देख क्या नाम है आपका सर बताएंगे तो ये पूरा मामला है एक हाँ जी, सुमेर चंद तो आप कौन से सरकारी पद पर हुआ है हाँ जी बढ़िया तो ये लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं हरियाणा के करनाल जिले के घरोंडा क्षेत्र की जहां पर आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से मेडिकल स्टोर में बवाल इसलिए मच जाता है जो कि एक शख्स पिछले 4 से 5 साल लगातार जो है मेडिसिन ले रहा था उस मेडिसिन में काफ़ी नशा था और मेडिसिन जो मेडिकल वाला है बिना डॉक्टर की सलाह के बिना डॉक्टर की पर्ची के उनको दवाइयाँ दे रहा था चलिए इनसे हम बात करते हैं पूरी जानकारी लेते हैं आप बताएं कब से आप मेडिसिन ले रहे थे सर मुझे 4-5 सालों में बीमार हुआ था
तो किसी भी डॉक्टर से कोई वो नहीं था, आराम नहीं आया था। तो एक डॉक्टर ने मुझे टीका लगा दिया था ट्रामाडोल का, मुझे आराम आने लग गया। धीरे धीरे ज़रूरत थी, फिर ये आदत बन गई। अब इस टाइम आदत आ गई थी भाई, मुझे पता था भाई ज़्यादा दिन नहीं चलूँगा। मैं सोच रहा था भाई मेरे अलावा जो और ऐसे मेरे हुए हैं तो बच जाएँ इस चीज़ से, वो बच जाएँ। तो आप कितने साल से इस मेडिकल स्टोर से आप मेडिसिन ले रहे थे? 4-5 साल पहले मैं बीमार हुआ था सर, उसके बाद जैसे आपको बताया जरूरत बन गई थी, फिर अपना आदत बन गई। इस टाइम में ऐसा हो गया था बस रोज़ ऐसा लगता था बस कुछ नहीं है। तो मेडिकल स्टोर वाले तो बोल रहे हैं कि पहली बार आप आए? नहीं सर, मैं पहले भी आया हूँ यहाँ पे, 4-5 साल से ही आ रहा हूँ। 4-5 साल से आ रहे हैं। तो मेडिसिन लेते ही आपको क्या हो जाता है? कुछ नहीं सर, नशा होता है और क्या होता है। नशा हो जाता है। क्या नाम है आपका? हाँ जी, क्या नाम है आपका? राजन है मेरा नाम जी। राजन है। ये देखिए ये राजन है, कहाँ रहते हैं राजन आप? गांव पनौड़ी से हूँ जी मैं। पनौड़ी से। तो देखिए ये राजन है, गांव पनौड़ी के रहने वाले हैं, और किस प्रकार से ये जो मेडिसिन लेने के आदि हो जाते हैं, क्योंकि मेडिसिन की अगर हम बात करें तो मेडिसिन में बेहद ज़्यादा नशा होता है, और ये जो व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं आदि जरूर हो जाते हैं। और उसी के चलते आप ये साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से फिलहाल जो है बवाल यहाँ पर मचता हुआ दिखाई दे रहा है। जितने भी व्यूअर्स हमारी इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को आप साथ ही साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल जिले के घरोंडा क्षेत्र की, इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेडिकल स्टोर पर इस वक्त आप ये साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो बवाल है, यानी कि जो महिला के जो पति हैं वो कहीं ना कहीं बवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसकी वाइफ कमा रही है। ठीक है जी, ये बंदा कभी नहीं सुधर सकता, और यहाँ नहीं ऐसे भी सबूत है हमारे पे, कहीं 2-3 बंदे तो ये मार भी चुका है जी। ठीक है जी, अगर जो मैंने आवाज उठाई है, अगर जो प्रशासन इस पे कार्रवाई कर सकता हो तो करे, वरना ऐसे बंदा कईयों की जिंदगी को लेके डूबेगा। बहुत ज्यादा परेशान होगी थी ये बहन, इसने मुझे 10 बार कई बार फोन किया, रात के 12-12 बजे भी फोन आया। क्या कहना चाहिए मैडम, क्या नाम है आपका? पायल नाम है। क्या मैडम, ये क्या पूरा मामला जो है क्या है, और आगे आप क्या कार्रवाई कराना चाहते हैं? हालांकि समेर मेडिकल्स वाले ने गलती मानी है कि ये जो दवाई दी है हमने गलत दी है, क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे आप? जो इसने गलती मान ली ठीक है, कार्रवाई करेंगे। 5 साल हो गए हैं, 5 साल से मैं भुगत रही, और जो मेरे आदमी के शरीर में कमी आई पड़ी है वो हमारा तो बिजनेस खत्म हो गया जी, काम खत्म, बच्चे रुल रहे हैं, बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं उनका, मेरी तरफ माँ बाप की तरफ कोई ध्यान नहीं, 60 साल से ऊपर के माँ बाप है, कहाँ से रोटी खाएंगे इस तरह करेगा। बच्चे कितने कितने साल के मैडम? एक बच्चा 3 साल का, एक बच्चा 9 साल का जी। सिर्फ 10 साल मेरी शादी को हुए हैं, और 5 साल से मैं इस नरक की झेल रही हूँ, और आज वो छोड़ना चाहते हैं पर उनको तकलीफ इतनी होती है कि मैं रह नहीं सकता भाई। मेरे को 15-15 दिन नींद नहीं आती, वो अपने आप से घिन करते हैं भाई मैं किस दलदल में फंस गया हूँ, वो छोड़ने की कोशिश भी करते हैं। तो आप दवाइयाँ ढूंढ रहे थे नीचे, अब कैसे यहाँ पर दवाइयाँ मिली और नहीं देखने दी इन्होंने, कह रहे हैं बाहर चलो बाहर चलो बेटे बाहर चल। तो कार्रवाई कराना चाहेंगे मैडम आप? देखो आप ये वीडियो देख रहे हैं प्रशासन, अगर उनको लगता है भाई और लोगों को बचाना है, युवा देश को अपने बचाना चाहते हैं, दूसरों का परिवार की सोच है तो कार्रवाई कर सकते हैं, और नहीं जग सोच है तो फिर ठीक है उनकी मर्जी है जी। ये बंदे कभी नहीं सोच सुधर सकते जी, इनको है आराम की कमाई की आदत। ठीक है जी, अगर जो इतने ये भले होते 100 रुपए के पीछे किसी को लाइफ खराब कर रहे हैं, पैसे मांग लो किसी से, भीख मांग लो कहीं, भीख मांगने तो बढ़िया जी, वो बढ़िया मांग के तो खा रहे हैं, ये तो दुनिया की लाइफ खराब करके 100-100 रुपए ले रहा है। तो युवा शक्ति को खराब किया जा रहा है सर, प्रशासन सोया हुआ है बिल्कुल। सरकार को मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे ऐसे बंदे को ऐसी सजा मिले भाई, 4 पड़ोसी को भी ये हो भाई। भाजपा नेता अच्छे दिन आने की बात करते हैं, और ऐसा जो एक मंजर सामने आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? अच्छे दिन तो आप देख ही रहे हो हर जगह यार, ये हर मेडिकल स्टोर वाला देता है, ये नहीं हर मेडिकल स्टोर वाले की तलाशी लो उनको, हाँ बिल्कुल देते हैं उनको, हर जगह ऐसे ऐसी कार्रवाई रखो कि कोई ऐसे रख ना पाए बिना प्रिस्क्रिप्शन के, कोई दे ना, कैसे दे रहे हैं मेडिकल स्टोर वाले? आज ये छोड़ देंगे तो कोई कल को कोई और दे देगा, 2 पैसे फालतू चाहिए बस सर। डॉक्टर एक
भगवान होता है हमारे लिए तो यही यमराज पैदा हुआ हुआ है जी। ऐसे यमराज को पकड़ो और ऐसी सजा दो, इसकी रूह भी कांबे, इसके अड़ोसी पड़ोसी की भी ऐसा काम करते। जनाब आप सरकारी नौकरी करते हैं और सरकारी नौकरी करने के बाद आप यहाँ मेडिकल स्टोर चलाते हैं, लेकिन अगर हमारे देश की युवा शक्ति जो है उसे आप नशे के अंदर धकेल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? मैं तो बहुत आपके हक में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ बस ज्यादा नहीं। आप गलती मानते हैं? मान बेटे, एक गुरमान। अच्छा, क्या नाम है आपका? आप कैमरा मत पकड़े ना, सुमेर चंद। आप कैमरा मत पकड़े, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका यार, एक बार बता दिए, बताओ। नहीं, आप नाम बता दीजिए। सुमेर चंद। सुमेर चंद, जल्दी मानते हैं आप? मानता हूँ। ये देखिए किस तरीके से सुमेर मेडिकल हाला की ग्रोंडा की तस्वीरें हैं। लगातार दोस्तों खबर को शेयर कीजिए। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं हरियाणा के करनाल जिले के घरोंडा हल्का की, जहां पर आपने देखा कि किस प्रकार से मेडिकल स्टोर वाले ने फिलहाल गलती मानी है। उसका साफ तौर पर यही कहना है कि बिना डॉक्टर की पर्ची के जो मेडिसिन उन्होंने दी है नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि मेडिसिन के अंदर काफ़ी नशा होता है। जी हाँ, मेडिसिन के अंदर काफ़ी नशा होता है, और वो नशा जो है पिछले कई सालों से जो युवक है, जो हमने आपको कैमरे में दिखाया कि किस प्रकार से 4 से 5 साल लगातार वो युवक जो है ये मेडिसिन खा रहा था, जिस कारण से युवक का जो शरीर है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। आज यहाँ पर इस युवक की जो पत्नी है वो यहाँ पर पहुँची, क्योंकि लगातार जो युवक है वो कहीं ना कहीं ये कहता हुआ दिखाई दे रहा था कि मैं दवाई लेकर आता हूँ। दवाई लेने के बाद जैसे युवक दवाई लेता था वह युवक सो जाता था, क्योंकि नशा बहुत ज़्यादा होता था। और उसके बाद जो है काफ़ी पूछताछ करने के बाद युवक ने अपनी पत्नी को नहीं बताया कि वो कहाँ से दवाई लेता था। लेकिन आज जो है किस प्रकार से इस युवक ने, जब यहाँ पर पहुँचा तो तुरंत जो है उसकी जो पत्नी पीछे पहुँच जाती है और किस प्रकार से ये खुलासा करती हुई नज़र आई कि वह अपने पति को काफ़ी बार समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। 4 से 5 साल हो गए थे कि आप किसी भी प्रकार की मेडिसिन मत लीजिएगा, क्योंकि आप मेडिसिन जब खाते हैं तो आपको नशा हो जाता है। लेकिन युवक इस मेडिसिन का आदी था, और किस प्रकार से जो ये महिला है जो अपने पति के साथ आई थी, स्कैन कर रही थी कि मेरा पति कहाँ पर जाता है, कहाँ से मेडिसिन लेता है, जब उसे इस बात का पता चला कि घरोंडा में ही एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ पर उसका पति जाता है और वहाँ से मेडिसिन लेता है, तो पत्नी बवाल मचाती हुई दिखाई दी। और किस प्रकार से बिना डॉक्टर की सलाह के जब आप मेडिसिन देते हैं, गलत हैं, आपको मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। और वहीं दूसरी ओर जो मेडिकल स्टोर के मालिक हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी गलती स्वीकारी है कि मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिना डॉक्टर की पर्ची के दवाई नहीं देनी चाहिए थी, मेडिसिन नहीं देनी चाहिए थी। इस मेडिकल स्टोर ने अपनी गलती जरूर मानी है, लेकिन अपने चैनल के माध्यम से तमाम मेडिकल स्टोर से हम निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आपके पास कोई भी व्यक्ति आता है, भले ही आपका कोई जानकार भी क्यों ना हो, अगर आपके पास पर्ची है तभी आप मेडिसिन दीजिए, अगर आपके पास पर्ची नहीं है तो मेडिसिन बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि काफ़ी जो मेडिसिन है उसके अंदर नशा जरूर होता है। और किस प्रकार से एक शख्स जो कि हरियाणा के करनाल जिले के ही घरोंडा हल्का का रहने वाला था और किस प्रकार से पिछले काफ़ी दिनों से मेडिसिन लेता था, 4 साल से लगातार ये शख्स मेडिसिन लेता था, और किस प्रकार से ये मेडिसिन लेने का आदि हो जाता है, और जब आदि हो जाता है तो शरीर जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। ये देखिए, यही वो शख्स है पिछले 4 साल से जो है, यही शख्स जो आप फोन स्क्रीन पर तस्वीर देख रही हैं, यही जो शख्स है पिछले 4 साल से मेडिसिन ले रहा था, जिस कारण से परिवार में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। 2 इनके बच्चे हैं और इनकी जो पत्नी है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मेडिसिन लेने के बाद ये शख्स नशे का आदी हो चुका था, क्योंकि जब तक नशा अंदर नहीं जाता था तब तक जो है ये व्यक्ति काम नहीं करता था। दोबारा से इस व्यक्ति से हम बात करने की पूरी कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम राजन है सर। राजन है आपका नाम, कहाँ रहते हैं? मैं पनौड़ी गाँव से हूँ। पनौड़ी गाँव से। कितने साल हो चुके हैं आपको मेडिसिन लेते हुए? सर 4-5 साल हो गए मेरे। 4-5 साल हो गए हैं तो लगातार आप यहाँ पर आते थे? हाँ सर, लगातार आते हैं। तो जब आपको लगता था कि मेडिसिन आप ले रही है, मेडिसिन कहीं ना कहीं आपके शरीर को इफेक्ट कर रही है, आपको नशा हो जाता था, तो फिर आप मेडिसिन क्यों लेते थे?
सर मैं अगर 10-15 दिन मैंने छोड़ के भी रखी है कभी तो जो बर्दाश्त नहीं होता सर मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था ना खाना ना बुखार आ जाता था खाना कुछ शरीर काम नहीं करना कुछ भी वो भी लास्ट में मैंने आके थोड़ी सी दवाई से लेके अपनी वाइफ को दी थी मैं कहा मैं अगर ऐसे लेता रहा तो नहीं ज़्यादा चलूँगा तो मुझे जब दूर तो मुझे एक आधी गोली दे दिया करना उसके हाथ से ही मैं बात में लेता रहा लेकिन आज कई युवा जो थे मैंने देखा यहाँ पे आते हैं बर्बाद हो रहे हैं मेरी तरह होना मैं इसीलिए आज भी यहाँ पर मेडिसिन लेने आए आज मैं मेडिसिन लेने आया था बस मेरे मुझे ये नहीं पता था मेरा भाई और मेरी वाइफ मेरे पीछे हैं तो मेडिसिन लेने के बाद क्या आपको नशा हो जाता है बस सर ऐसा हो जाता था जैसे घोड़े को चने मिल जाने बाद वो चलने लग जाते ऐसा होता था सर अच्छा कौन कौन सी मेडिसिन है नाम पता है आपको सर एक इंजेक्शन है ट्रामाडोल का और टैबलेट्स भी हैं उसकी नींद की दवाइयां हैं 81 है जैसे और अपना एक एल्फ्लेक्स की आती है और भी है कहीं जो इसने मुझे तो पता ही नहीं था होती क्या है मैं तो सर एक स्पोर्ट्समैन था नेशनल लेवल पे मेरे गोल्ड जीता हुआ है टाइकोंडो में मैं तो एक गोली खा के राजी था लेकिन जैसे है ना एक दिन का मिल गया इसने मुझे बोला अब मान ले अगर तू गोली रोज लेता है ये इंजेक्शन लगा ले फिर भी कहता है ये लगा ले फिर कहता है वो लगा ले मैं बढ़ता गया लेकिन फिर अब मुझे लगने लगा था भाई मैं नहीं चलूँगा ज़्यादा मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे कहाँ जाएंगे तो मुझे एक कदम उठाना ही पड़ा और मैंने वाइफ को भी बोला था पर छुप छुप के लेता था आज तो बस आपके सामने ही है जो तो राजन 4 साल हो गए हैं आपको 4-5 साल हो गए 4-5 साल हो गए देखिए ये राजन है और पिछले 4-5 साल से लगातार जो है मेडिसिन लेते हुए नज़र आ रहे थे जब मेडिसिन लेते थे तो इनका नशा बेहद ज़्यादा हो जाता था क्योंकि राजन जो है इस मेडिसिन के बिना रह नहीं सकता था जब तक मेडिसिन नहीं लेते थे तो राजन की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी और वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मेडिकल जो स्टोर के जो मालिक हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी गलती ज़रूर मानी है कि बिना डॉक्टर की सलाह के बिना डॉक्टर की पर्ची के जो वो मेडिसिन देते थे नहीं देनी चाहिए थी अगर डॉक्टर की पर्ची के बिना आप दवाई देते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं गलत जरूर हैं क्योंकि नशा बहुत ज़्यादा होता है और नशा होने का ये जो व्यक्ति है ये आप फोन स्क्रीन पर देख सकते हैं ये व्यक्ति नशे का आदि हो जाता है और उसी के चलते आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो राजन है जो राजन की जो मिसिज है जो उनकी पत्नी है वो आज यहाँ पर पहुँची और किस प्रकार से फिलहाल जो है बवाल करती हुई नज़र आई इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ ही साथ शेयर भी ज़रूर कर दें और वहीं दूसरी ओर जो स्टोर के मालिक है जो मेडिकल स्टोर के मालिक हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी गलती को स्वीकारते हुए ज़रूर नज़र आए हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि उनसे गलती ज़रूर हुई है इस पे जितने इंजेक्शन है बार काट एक व्यापार कर रहे हैं आपका तो काम ये है क्यों मानते हो 6 साल से जो ये तड़प रही उसके तो तुमने 50,000 रुपए महीना कमाता था बतना आज घर से मांग रहा है मैं वीडियो दिखा दूंगा ये लो 6 महीने पहले वीडियो दिखा दूं फिर मानोगे तो हर चीज आप फिर कहते हैं आज पहली बार आया है आप अपनी बात नहीं मान रहे हैं भाई पहले इतने साल से ले रहे हैं अच्छा दूसरों को आप ट्राई करते फिर वो चीज सर अभी मेरे साथ तो अगर जो मैं तुम्हारी 10 जने और जाऊँ ना मेरा कोई काम नहीं था यहाँ पे ये बहन मुझे 10 बार कॉल करती थी भाई ये काम हो रहा है मैं इग्नोर करता था मेरा फ्रेंड है 10वीं का वैसे ही फैमिली रिलेशन थे भाई क्या हो रहा है भाई बंदा ऐसा था खुशहाल मैं रोज मिला करता था घर आके देख के गया माँ बाप रोते हैं कल्ला लड़का है नाश हो गया उनका तो इनने तो कह दिया कोई बात नहीं आपने भी सर इस बंदे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए देखो कार्रवाई तो देखो बोलता है जो कंप्लेंट है ना कार्रवाई तो वो करवाते हैं कंप्लेंट गलत है ये खड़ा जी कंप्लेनेंट ये खड़ा क्या होना चाहिए फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो युवक की जो पत्नी है वो फिलहाल यहां पर पहुंची है इस मेडिकल स्टोर पर और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि बिना डॉक्टरी सलाह के जो है मेडिसिन क्यों दी जाती है
जब तक डॉक्टर की पर्ची नहीं होती है तो आप मेडिसिन क्यों देते हैं। और वहीं दूसरी ओर किस प्रकार से जो परिवार के लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर बवाल करते हुए नजर आ रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर जो मेडिकल स्टोर के मालिक हैं वो कहीं ना कहीं, ये फोन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये मेडिकल स्टोर के मालिक हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी गलती जरूर स्वीकारते हुए नजर आते हैं। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि बिना डॉक्टर पर्ची के जो है दवाई नहीं देनी चाहिए थी, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है। इस वीडियो को देखने वाले वीडियो को साथ के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा, और निवेदन करना चाहेंगे तमाम मेडिकल स्टोर से कि बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना डॉक्टर की पर्ची के आप मेडिसिन मत दीजिएगा, क्योंकि उपचार किस प्रकार से होता है नहीं पता चलता, मेडिकल स्टोर को भी नहीं पता चलता, लेकिन डॉक्टर की पर्ची देना बेहद ज़रूरी है। ये वाक्य आप देख सकती हैं कि किस प्रकार से, ये देखिए किस प्रकार से ये जो व्यक्ति हैं बिना डॉक्टर की पर्ची के यहाँ पर जो है इनको मेडिसिन दी जा रही थी, क्योंकि ये व्यक्ति आदी हो चुका था। जब तक मेडिसिन नहीं खाता था तब तक जो है इसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मेडिसिन कहीं ना कहीं एक हैबिचुअल जरूर हो चुकी थी, ये मेडिसिन लेने की हैबिचुअल हो चुके थे, आदी हो चुके थे, और उसके चलते जो है ये व्यक्ति सारा सारा दिन नशे में रहते थे। और इनकी पत्नी ने आज करनाल के ही हल्का घुरुंडा की बात करें तो वहाँ पर बवाल मचाया। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ की साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा, और बार बार निवेदन मेडिकल स्टोर से यही करना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार की बिना डॉक्टर की सलाह के आप किसी को भी मेडिसिन मत दीजिएगा। परिवार खराब हो सकता था, 4 साल हो चुके थे, और किस प्रकार से ये जो व्यक्ति है वो नशे लेने का आदि हो चुका था, और जब व्यक्ति नशे लेने का आदि हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं परिवार वालों के लिए बेहद ही मुसीबत भरा कार्य हो जाता है, क्योंकि इस व्यक्ति के छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार बेहद ज़्यादा मुश्किलों में फिलहाल दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहेगा करनाल स्टूडियो।